यू फैमिली, वेलकम टू फाशास कुकिंग। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल, जिसके लिए मैंने ली हूँ मूंग मसूर दाल, जो कि आप इसके लिए तूर दाल ले सकते हो, बट मैं ये प्रेफर कर रही हूँ, तो मैं ये दाल मैं बना रही हूँ। साथ में मैंने एक ब्रिंजॉल ले ली हूँ, ये ऑप्शनल है। इमली का पल्प अपने हिसाब से, लाइक कितना हमें खट्टी चाहिए उस हिसाब से। मसाले में है हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और यह टमेटोज, एक छोटा अनियन है, चिलीज़ है, थोड़ी ज़्यादा चिली बिकॉज खट्टी और थोड़ी तीखी रहेगी। साथ में है कोथमीर, और ये है हमारा तड़का, इसमें लहसुन है, करी लीव्स है, क्यूमिन है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सबसे पहले हमने दाल डाल दिए, उसमें मैंने वो ब्रिंजल ऐड कर दी, साथ ही में मैं जो मज़े मसाले हैं वो भी ऐड कर दूँगी। और जो अनियन, टमेटोज, चिली है वो भी ऐड करना है, और हम इसे अभी 3 से 4 विसल लेंगे। ये 4 विसल हमने ले चुके हैं, अब हम इसको विस्कर की मदद से इसको हम बीट करेंगे या हैंड ब्लेंडर से। अच्छे से हमें इसे सॉफ्ट करके लेना है, और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने कितनी पतली चाहिए, कितनी गाढ़ी चाहिए, अपने हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे बॉईल करने रख देंगे, और फिर जो हमें आगे का प्रोसेस क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। तो 1 स्पून नमक ऐड करना है, नमक हमने ऐड नहीं किए थे, और साथ ही में हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। इसे अच्छे से थोड़ा एक बॉईल लेना है, क्योंकि जो हमने इमली का पल्प डाले तो वो अच्छे से पक जाए इसमें, और हमने इसमें थोड़ा चिलीज भी ऐड किया कि थोड़ी तीखी भी रहेगी साथ में। तो मैंने साथ में 2-3 चिलीज भी ऐड कर दी हूँ। अब इसे एक बॉईल आने दूंगी, और फिर उसके बाद हम इसे तड़का देंगे। देखिए दाल में बहुत अच्छा बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें तड़का देंगे। मैंने मेरे तड़के में एक छोटा सा अनियन भी ऐड की हूँ, बाकी का सब वही है जो मैंने आपको दिखाई थी, गार्लिक, करी लीव्स, क्यूमिन। ये देखिए अब हम इसमें तड़का, जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए तड़का अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करना है, और हमारा फाइनल टच कोथमीर। तो हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है, हैदराबादी वाली खट्टी दाल, अब हम इसे सर्व करेंगे। हेलो, वेलकम बैक। तो ये देखिए हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी बनी है। इसको मैंने सर्व की हूँ राइस के साथ में। आइए फाशा के साथ खाने, प्लीज़ इंजॉय माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ।